चैन अपनी हर जरूरत टाल देती है, मगर बच्चा जो मांगे मां उसे तत्काल देती है। पता है क्यों शहीदों को तिरंगे से ढका जाता, कि मां सोते हुए बच्चे पे आंचल डाल देती है। एक बच्चा नैनीताल का भी था, कैप्टन राजेश मेरे नाम भी था उसका। जब कारगिल युद्ध में वो शहीद हुआ तो इंडिया टुडे ने कुछ सच्ची घटनाएं अखबार में छापी थी। इस कविता में केवल श्रद्धांजलि मेरी है, सारी घटनाएं घटी है जो सैनिक सीमा पर होते हैं, महीनों महीनों सालों साल रहते हैं। कभी कभी पत्नी का कोई पत्र आ गया भूले भटके, उसको पत्र मिलता है और हुक्म होता है कि हमला करो। वो पत्र पढ़ता नहीं, जेब में रख लेता है। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कभी उत्तरांचल में नैनीताल में इसको पढ़ूंगा। यहाँ भी पढ़ रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि बात श्रद्धांजलि मेरी उस घर तक जाएगी। कि पाँव बढ़ाया था कूच की खातिर, ज्यों ही की डांग से आ गई पाती। पाँव बढ़ाया था कूच की खातिर, ज्यों ही की डांग से आ गई पाती। और जीवन की हर राह पे साथ निभाने की रस्म निभा गई पाती। जो फेरे में वचन लेती है पत्नी, हमेशा साथ रहेंगे। पांव बढ़ाया था कूच की खातिर, जो ही किटाक से आ गई पाती। जीवन की हर राह पे साथ निभाने की रस्म निभा गई पाती। वक्त नहीं था सो जेब में डाल ली, मानो किया में समा गई पाती। वक्त नहीं था तो जेब में डाल ली, मानो किया में समा गई पाती। साथ शहीद के लिपटे तिरंगे में, बिन पढ़ी वापस आ गई पाती। साथ शहीद के लिपटे तिरंगे में, बिन पढ़ी वापस आ गई पाती। ये तीन छंद बिना ताली बजाए सुन लीजिए, क्योंकि ये मार्गदर्शक। हाँ, आखिर में सैनिक के सम्मान में हम तालियां बजा सकते हैं। जेब जेब में पत्र, हर गोली उसमें से गई। इस बच्चे ने भी कहा कि पीठ पे कोई निशान नहीं खाया है, उसी बात को मैं अपने तरीके से कहता हूँ। गोली लगी पहली थी वहां, जहां प्यार से लिखा था प्रीतम प्यारे। दूसरी गोली ने वाक्य मिटा दिया, मैं सदा साथ रहूंगे तुम्हारे। तीसरी गोली ने चीर दिए संवाद सभी संबोधन सारे। गायब था वह पत्र का कोना, था पूछा जहां कब आओगे प्यारे। गायब था वह पत्र का कोना। इस कड़ी का अंतिम क्षण, रक्त सनी छलनी छलनी अखियों में घटावन छा गई पाती। साथ पिया के हिया से लगी रही, आखिरी वक्त बता गई पाती। दृष्टि ही दृष्टि में, आंसू की वृष्टि में, घटना सभी दोहरा गई पाती। और सीने पे खाई है गोली, जवान ने बोले बिना बतला गई पाती। सीने पे खाई है गोली, जवान